हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मलयाली, हिंदी सारी लैंग्वेजेस की मूवीज़ देखी हैं, बट असुरवधम मूवी की स्क्रिप्ट जिस हिसाब से मैंने एग्जामिन की है अपने लाइफ भर में, जितनी मूवीज़ देखी हैं, तो इसकी स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूनिक है। मैं ये आपको कह सकता हूँ, मूवी की स्क्रिप्ट इतनी भी यूनिक नहीं है कि आपको लगेगा कि कुछ अलग ही पेश किया है। पेश वही किया है जो हमेशा से एक रिवेंज थ्रिलर में दिखाया जाता है, बट इस मूवी में ना इमोशंस सबसे बड़ा की पॉइंट है जो आपको खींचेंगे इस मूवी की तरफ। जैसे मैंने बताया, मूवी का नाम है असुरवधम। साथ ही साथ में इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है, इसमें शशि कुमार आपको नजर आएंगे और बहुत सारे आपको साथ ही साथ में बहुत ही लो बजट के एक्टर्स नज़र आएंगे जो ज़्यादा दिखते नहीं हैं किसी भी मूवीज़ में। मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट बताना चाहूँगा कि कहानी एक ऐसे दुकानदार की जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में पागल रहता है, अपनी ज़िंदगी में ही रहता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मूवी के पहले की स्टार्टिंग सीन्स में इसी चीज़ को काफ़ी अच्छे से नोटिस कराया है डायरेक्टर ने। साथ ही साथ में उसको एक कॉल आती है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में पैदा करने के बाद कि उसे कोई मारना चाहता है। अब आखिर कौन होगा जो एक गरीब से दुकानदार को मारना चाहेगा? आखिर इस दुकानदार ने ऐसा क्या किया जो इसे कोई मारना चाहेगा? यही मूवी आपको काफ़ी अच्छे से बताएगी। मूवी में सस्पेंस को काफ़ी ज़्यादा स्लोली डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वजह से आप लोग अपने दिमाग में ये सोचते रहेंगे कि आखिर ये बंदा एक दुकानदार को क्यों मार रहा है, आखिर क्या है उस दुकानदार में जो इस आदमी को कचोट रहा है और ये आदमी मारना चाहता है। मूवी का जो मेन रोल है कि किसने प्ले किया, तो प्ले किया है शशि कुमार ने। शशि कुमार की मैंने ज़्यादा फिल्म्स नहीं देखी, मैंने इससे पहले उनकी मूवी देखी थी थोटा, जिसमें वो एक भाई का रोल प्ले करते हैं, धनुष के साथ में ही उनका रोल होता है। वहाँ पे ज़्यादा इनका कैरेक्टर ज़्यादा शाइन नहीं किया था, बट इस मूवी में जिस हिसाब से उन्होंने अपना बियर्ड लुक रखा है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने फेस को सीरियसनेस दिखाई है अपने फेस पे, तो मुझे लगता है उनमें भी एक्टिंग स्किल्स की कमी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को अपनी आंखों से दिखाया ऑडियंस के सामने, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। भले ही उन्हें मूवीज़ ज़्यादा नहीं मिलती तमिल सिनेमा या तेलुगु सिनेमा में, बट वो एक अच्छे एक्टर हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अब कहानी ये होती है कि कुछ गुंडों से मांगेगा, दूसरे कुछ पुलिस वालों से मदद मांगेगा घूस दे के कि उसे इस आदमी से जो उसके खून का प्यासा है उससे बचाए, बट आखिर में जाके ये बात सामने आएगी कि आखिर उस दुकानदार ने उसकी बेटी के साथ, जो आदमी उसको मारना चाहता है एक हफ्ते में, उसकी बेटी के साथ उसने रेप किया था, जो सिर्फ 7 से 8 साल की थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और वो जब जिंदा थी उसे बोरी में डाला और उसे मार मार के उसको कई नदी में डाल दिया। इसीलिए उस बंदे ने बदला लेने का सोचा और इस दुकानदार के पीछे पड़ा। स्क्रिप्ट नॉर्मल है, बट यूनिक इसलिए है क्योंकि इस मूवी का जिस तरीके से दिखाया है कि जो मेनली विलन होता है इस मूवी का, जो दुकानदार होता है, वो आखिर तक पूछता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ, कम से कम मुझे बता तो दे कि आखिर तू मुझे क्यों मार रहा है, आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मैंने क्या किया है। बट फिर आखिर में जाके वो खुद कबूल करता है कि तू किसका फादर है, और अपने ही उस आदमी के ही सामने 10 लड़कियों के नाम बताता कि तू इसका बाप है या इसका बाप है। तब जब ये बात सामने आती है, तब आप उस समय शशि कुमार का एक बार आप देख लेना, उनका जो इमोशंस उनकी आंखों से देखेंगे, आप देखेंगे कितनी अच्छी एक्टिंग उस बंदे ने की है। उस बंदे ने उस फादर के कैरेक्टर को अपने अंदर ही बसा लिया है इस मूवी के लिए। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी, कम से कम एक बार तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं ये भी आपके साथ ये शर्त लगा सकता हूँ कि आपको एक बार से ज़्यादा भी मूवी देखनी पड़े तो इसमें कोई वो बहुत ही ज़्यादा वो होने की बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। मूवी बहुत अच्छी है। कम से कम कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो यार यूट्यूब पर पड़े पड़े सड़ती हैं। आप बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज़ देखना चाहते हैं, जो छोटे जो अंडररेटेड एक्टर्स हैं उनकी मूवीज़ की भी तो स्क्रिप्ट अच्छी हैं। मेरा आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि इन मूवीज़ को तो देखिए, इनमें कितनी ज़्यादा ब्यूटी छुपी है, इतनी कितने ज़्यादा सोशल इश्यूज से रिलेटेड एजेंडाज छुपे हैं, ताकि आप दूसरे स्टेट्स की भी जो एजेंडाज हैं उन्हें समझ पाए कि वो क्या चाहते हैं अपनी स्टेट के लिए। तो इसी के साथ साथ
वीडियो ख़त्म करते हैं, मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने का, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।